1984 के दंगों में पीड़ितों को नहीं मिला आज तक न्याय, सिख संगत ने किया आक्रोश व्यक्त, कहा कांग्रेस पर लगे प्रतिबंध। बच्चे अनाथ हो गए, इस बड़बड़ता प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस 1984 में सिखों के नरसंहार से संबंधित है। आज 29 वर्ष से ज्यादा बीत गए, परंतु यह बहुत अफसोस है, बहुत खेद है कि हम एक सिख बहादुर कौम जिसने देश की आज़ादी, स्वतंत्रता, सुरक्षा, संप्रभुता में अपनी जानें गंवाई, 80% कुर्बानियां दी तथा देश की आर्थिक उन्नति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसके साथ छल किया गया, धोखा किया गया और 1984 में 4000 निर्दोष सिखों के मौत के घाट उतार दिया गया तथा किसी को आज तक सजा नहीं दी गई है, क्योंकि सजा नहीं दी गई और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को भी तबाह किया गया था। उसी का रोष, उसी का दुख, उसी का दर्द हमको है, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि सरकारी विभागों से सूचनाएं लेने में कितनी अड़चने आती हैं, कितनी परेशानियां होती हैं। मैं 1984 से प्रयासरत था और आज मेरे पास काफ़ी कुछ मात्रा में एकत्र हो चुकी हैं सूचनाएं और साक्ष, प्रमाणित साक्ष, तो हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एकत्र हुए हैं और आपसे निवेदन किया, आप यहाँ पे आए हैं, पधारे हैं, आपका हम आपका तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करते हैं।